हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल एरा। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने अभी तक फैक्टराइजेशन मेथड 9th स्टैंडर्ड में किया है। तो फैक्टराइज मेथड में कुछ नहीं है, जो हमें जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा जनरल फॉर्म है इक्वेशन का। इसमें हमें ये फैक्टर है ये, इसमें जो a इंटू सी करना है हमें, ताकि जिससे हमें जो वैल्यू आएगी तो उसमें हमें b को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो b को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग, तो सपोज बी वन प्लस बी टू, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बी वन और बी टू का एडिशन होना चाहिए। इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन मेथड हम सॉल्व करेंगे। और सबसे ईजी तरीका है, जितना जो a की जो वैल्यू है उसे अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो सबसे इजी तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आज एक एग्जांपल के थ्रू चलो हम सॉल्व करके देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें आंसर माइनस फाइव आना चाहिए, और एडिशन पर हमारा आंसर माइनस फोर आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स हम लोग ले सकते हैं माइनस फाइव आने के लिए माइनस फाइव और प्लस वन। तो अगर मैं माइनस फाइव में प्लस वन ऐड करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा माइनस फोर, और इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा माइनस फाइव। तो इसे मैं फैक्टराइज कैसे करूँगा? तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। मैंने फोर एक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला है मेरा माइनस फाइव एक्स और दूसरा एक्स। तो इसे अगर मैं ऐसे भी लिखूँ या माइनस फोर एक्स लिखूँ तो भी चलता है। इसलिए अब मैं क्या करूँगा, अब जो इन दोनों हैं, ये जो फर्स्ट जो दोनों हैं इनमें मैं एक चीज़ कॉमन ले लूँगा। तो मैं इसमें कॉमन लेता हूँ x। अगर मैं इसमें x कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ रिमेन रहेगा x माइनस फाइव, और यहाँ पर इन दोनों में मैं अगर कॉमन लेता हूँ प्लस वन तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे x माइनस फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दो वैल्यूज जो हमें दी गई है उनका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के इक्वल्स है, यानी कि दोनों में से एक ज़ीरो होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, इसलिए x इज इक्वल टू फाइव और x इज इक्वल टू माइनस वन। ऐसे ही फैक्टराइज करके हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो एक और एग्जांपल है हमारे पास वो है एम स्क्वायर माइनस फोर्टीन एम प्लस थर्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 13 चाहिए हमें प्लस 13, और जो एडिशन करेंगे उसमें हमें माइनस 14 चाहिए। तो हम यहाँ पर माइनस 13 और माइनस 1 ले सकते हैं, कि अगर मैं माइनस 13 और माइनस 1 को मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे पॉजिटिव आंसर आएगा, तो वो होगा मेरा प्लस 13, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस 14। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 13 एम माइनस एम प्लस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इनमें कॉमन लेता हूँ तो एक साइड आएगा मेरा एम एम माइनस 13, यहाँ अगर मैं माइनस वन कॉमन लेता हूँ तो यहाँ भी मेरा हो जाएगा m माइनस थर्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m माइनस थर्टीन एम माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मेरे जो दो वैल्यूज़ है दोनों फैक्टर अगर ज़ीरो के इक्वल है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा, इसलिए मैं इन्हें लिखूँगा m माइनस थर्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो और m माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो m की जो वैल्यू आएगी वो मेरी है 13, और यहाँ पर m की जो मेरी वैल्यू आएगी वो है 1। तो मेरी m की जो दोनों फैक्टर की वैल्यू आई है वो है 13 और 1। ये जो एग्जांपल है हमारे पास वो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए, a इंटू सी। ए इंटू सी है हमारा 3 इंटू 10 यानी कि 30। मल्टीप्लिकेशन हमारा 30 आना चाहिए, और दोनों फैक्टर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ये आंसर आएगा ये माइनस 30 आएगा। यहाँ पर माइनस 10 दिया है हमें, और जो यहाँ पर जो फैक्टर है उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आना चाहिए माइनस एक्स। तो मैं इसे 6 माइनस में और इसे प्लस 5 ले सकता हूँ। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे यहाँ पर प्लस माइनस 1 मिलेगा और यहाँ मुझे माइनस 30।
तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं कॉमन फैक्टर क्या ले सकता हूँ, इसमें कॉमन फैक्टर मैं ले सकता हूँ 3x, तो यहाँ मेरे पास बचेगा x माइनस 2 प्लस, इसमें मैं कॉमन फैक्टर क्या ले सकता हूँ, इसमें मैं कॉमन फैक्टर ले सकता हूँ 5, तो मेरे पास यहाँ भी बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरा x माइनस 2 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब मेरे दोनों फैक्टर्स अगर 0 के इक्वल्स है, यानी कि दोनों में से एक फैक्टर मेरा 0 होगा, इसके लिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा मेरा 2 के इक्वल्स और यहाँ 3x हो जाएगा मेरा माइनस 5 के इक्वल्स, तो y हो जाएगा मेरा माइनस 5/3। तो x के जो मेरे दोनों रूट्स है, x के जो दोनों मेरे सॉल्यूशन है, उनकी वैल्यू आ जाएगी 2 और माइनस 5/3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास रूट का क्वेश्चन है, 6√3x² प्लस 7x इज इक्वल टू √3। तो इसे हम एक जनरल फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो जनरल फॉर्म होगा हमारा 6√3x² प्लस 7x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब हम a और c का मल्टीप्लीकेशन करें अगर, तो ये होगा 6√3 इंटू माइनस √3। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस 3, तो हमें माइनस 18 मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7 आना चाहिए, तो हम इसे ले सकते हैं प्लस 9 और माइनस 2, तो उसमें हमें प्लस 7 आंसर मिल सकता है। तो इसका अब हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज होएगा 6√3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो कॉमन फैक्टर होएगा 3√3x हमारा कॉमन फैक्टर होगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2x प्लस √3। यहाँ पर अगर हम कॉमन फैक्टर माइनस 1 लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2x प्लस √3 इज इक्वल टू हमारा 0 होगा ये, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 2x प्लस √3 और 3√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे दोनों फैक्टर अगर 0 के इक्वल्स है तो इन दोनों में से एक 0 होगा, इसलिए 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और 3√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस √3 और यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पर हमें x अगर फाइंड करना है तो x हो जाएगा हमारा माइनस √3/2 और यहाँ हमारा x हो जाएगा 1/3√3। तो हमारे x के जो दोनों रूट्स है वो है -3√2 और 1/3√3, ये हमारे x के दोनों रूट्स। हमारी प्रैक्टिस सेट 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x² - 15x + 54 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लीकेशन में हमें 54 चाहिए और जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें -15 का आंसर आना चाहिए, तो हमारे दोनों रूट हम -9 और -6 ले सकते हैं। तो हमारा फैक्टराइज कैसा हो जाएगा, x² - 9x - 6x + 54 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसे अगर कॉमन फैक्टर ले तो x कॉमन होगा हमारा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x माइनस 9 और यहाँ हमारा -6 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 9 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे दोनों फैक्टर अगर 0 के इक्वल्स है तो दोनों में से एक फैक्टर 0 होगा, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा हमारे 9 के इक्वल्स और यहाँ x हो जाएगा 6 के इक्वल्स। तो हमारे जो हमारा जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स रहेंगे वो रहेंगे 9 और 6। हमारा जो सेकेंड इक्वेशन हमें दिया है वो है x square plus x
-20 इज इक्वल टू 0। तो हमें यह ध्यान रखना है मल्टीप्लीकेशन में हमारा आंसर 20 आएगा और एडिशन पे हमारा आंसर 1 आएगा। तो इसे अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हम यहाँ पर 5 और -4 ले सकते हैं। तो इसे चलो हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने पे हमारे पास यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x -4x -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम कॉमन लेते हैं x को तो यहाँ बचेगा हमारे पास x प्लस 5। यहाँ अगर हम कॉमन लेते हैं -4 को तो हमारे पास यहाँ भी बचेगा x प्लस 5 जो 0 के इक्वल्स होगा। तो x प्लस 5 और x माइनस 4 ये दोनों फैक्टर हमारे 0 के इक्वल्स होंगे। तो अब ये दोनों अगर 0 के इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि x प्लस 5 अगर 0 होगा या तो x माइनस 4 0 होगा। इसलिए x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी -5 और x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4। तो हमारे इस इक्वेशन के जो x के रूट्स है वो है -5 और 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखेंगे तो हमें मल्टीप्लीकेशन में क्या मिलना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम a इंटू सी का, तो 13 इंटू 2 हमारे पास आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में अमाउंट 26, और जब इन एडिशन करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए 27। तो इसका फैक्टराइज हम क्या कर सकते हैं, हम इसका फैक्टराइज 26 और 1 कर सकते हैं। 26 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 26 आएगा और इन्हें ऐड करेंगे तो 27 आएगा। तो इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 27y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसे अगर हम कॉमन फैक्टर इसमें ढूंढेंगे, ये 26x प्लस y इज इक्वल टू 0, इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे वो होगा 2y, तो हमारे पास यहाँ बचेगा y प्लस 13 और यहाँ हमारा कॉमन फैक्टर होगा 1, तो हमारे पास यहाँ बचेगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं y प्लस 13 इज इक्वल 13 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे अगर दोनों फैक्टर्स 0 के इक्वल्स है तो दोनों में से एक फैक्टर 0 होगा। तो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y हो जाएगा हमारा -13 और 2y हो जाएगा हमारा -1, इसलिए y होगा हमारा -1/2। तो हमारे y के जो रूट्स है वो जाएंगे -13 और -1/2। जो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है वो है 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। इसे हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं 5m² माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें मल्टीप्लीकेशन में चाहिए -75 और एडिशन में चाहिए -22। तो हमारे दोनों फैक्टर हो जाएंगे -25 और प्लस 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं 5 को, तो हमारे पास 5m को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ बचेगा m माइनस 5। अगर यहाँ पर हम प्लस 3 को कॉमन लें तो हमारे पास यहाँ भी बचेगा m माइनस 5 जो होगा 0 के इक्वल्स। तो हमारी एक वैल्यू होगी m माइनस 5 और दूसरी होगी 5m प्लस 3 जो 0 के इक्वल्स होगी। तो अब हमारे दोनों फैक्टर्स अगर 0 के इक्वल्स है इसका मतलब है कि m माइनस 5 0 होगा, नहीं तो 5m प्लस 3 0 होगा। तो m की जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी 5 और यहाँ m की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी -3/5। तो m के जो हमारे रूट्स है वो है 5 और -3/5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अगर हम a इंटू सी करते हैं तो वो होगा 2 इंटू 1/2, तो हमें 1 आएगा और हमें जो सॉल्व करने पे जो आंसर आना चाहिए वो -2 आना चाहिए। तो इसके दोनों फैक्टर्स -1 और -1 ले सकते हैं हम, कि -1 और -1 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा +1 और इनको ऐड करने पे आ जाएगा हमारा वैल्यू -2। तो हमारे ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे 2x² माइनस x माइनस x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0।
अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो अगर हम यहाँ 2x कॉमन लें तो हमारे पास यहाँ आएगा x माइनस वन बाई टू, और यहाँ हम माइनस वन कॉमन लें तो हमारे पास यहाँ आएगा x माइनस वन बाई टू जो कि जीरो के इक्वल्स होगा। तो हमारा ये हो जाएगा x माइनस वन बाई टू और 2x माइनस वन जो कि जीरो के इक्वल है। तो अब हमारे दोनों फैक्टर्स अगर जीरो के इक्वल्स है तो इन दोनों में से एक फैक्टर जीरो होगा, इसलिए x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो और 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x जो होगा वो हमारा वन बाई टू हो जाएगा और 2x से जो हमारा वन हो जाएगा तो x हो जाएगा हमारा वन बाई टू। तो x के जो रूट्स आए वो हमारे हैं वन बाई टू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 6x माइनस टू बाई एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x। तो हमें जो फाइंड आउट होगा वो है 6x स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। इसे हम रेगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो फैक्टराइज करने पे हमारा वैल्यू आना चाहिए माइनस टूवेल्व और यहाँ हमारा जो सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा वो माइनस वन। तो हम यहाँ ले सकते हैं माइनस थ्री और माइनस फोर और प्लस थ्री, तो हमारे दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2x। तो 2x कॉमन लेते तो हमारे पास यहाँ बचेगा 3x माइनस टू प्लस, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं प्लस वन, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3x माइनस टू जो कि जीरो के इक्वल्स होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x माइनस टू और 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हमारी दोनों वैल्यूज अगर जीरो के इक्वल्स है तो दोनों में से एक वैल्यू जीरो होगी, तो 3x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। जो 3x है हमारा वो 2 के इक्वल होगा और जो 2x है हमारा वो माइनस वन के इक्वल होगा। तो x हो जाएगा हमारा 2 बाई थ्री और x हो जाएगा हमारा माइनस वन बाई टू। तो x के जो दोनों रूट्स आए हैं वो है 2 बाई थ्री और माइनस वन बाई टू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वो है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम देखेंगे अगर हम फाइव रूट टू और रूट टू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा फाइव इंटू टू यानी कि टेन। तो हमें फैक्टराइज करने का है, यहाँ हमें वैल्यू आनी चाहिए सेवन और मल्टीप्लीकेशन पर टेन, तो हम ये वैल्यू लिख सकते हैं फाइव और टू। तो हमारा फैक्टराइज हो जाएगा रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर लेते हैं एक्स तो हमारे पास यहाँ बचेगा टू रूट एक्स प्लस फाइव, यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं रूट टू तो हमारे पास बचेगा रूट टू एक्स प्लस फाइव जो कि जीरो के इक्वल होगा। तो हमारा हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे दोनों फैक्टर्स जीरो के इक्वल्स है, इसके लिए रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा रूट टू एक्स हो जाएगा माइनस फाइव और एक्स हो जाएगा माइनस रूट टू। तो ये एक्स हमारा यहाँ हो जाएगा माइनस फाइव बाय रूट टू। तो हमारे एक्स के जो दोनों फैक्टर्स हैं, जो दोनों हमारे एक्स के रूट्स हैं वो हो जाएंगे माइनस फाइव बाय रूट टू और माइनस रूट टू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3x स्क्वायर माइनस टू रूट 6x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो हमें मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए 3 इंटू टू यानी कि 6 मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए हमारे
और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए 2√6। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, हम √6 और √6 ले सकते हैं, कि अगर हम √6 और √6 जो माइनस है इनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें 6 आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो -2√6 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 3x² -√6 6x -√6x +2 = 0। तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं √3। तो √3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बच √3x कॉमन लेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ बचेगा √3x -√2। यहाँ अगर हम कॉमन लेते हैं √2, तो यहाँ अगर हम -√2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -√3x, और ये -√2 = 0 के बराबर। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3x -√2, और ये √3x -√2 = 0। तो हमारे दोनों फैक्टर्स 0 के इक्वल्स है, तो यानी कि √3x -√2 = 0 और √3x -√2 = 0। तो x जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा √2/√3, और x यहाँ जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा √2/√3। तो x के जो हमारे दोनों रूट्स है वो हो जाएंगे 2√3 √2/√3। जो 9th क्वेश्चन हमें दिया है वो है 2m, और ब्रैकेट में हमारे पास है m-24 = 50। तो पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2m² -48m = 50। ये हो जाएगा हमारा 2m² -48m - 50 = 0। तब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में -100 आना चाहिए, और सॉल्यूशन में हमारे पास 48 आना चाहिए माइनस में। तो हमारे दोनों फैक्टर -50 और +2 हो सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2m² -50m - 2m - 50 = 0। तो इसमें हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 2m, तो अगर हम 2m कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो हमारे पास बचेगा m-25। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 2, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, ये प्लस है तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं -2। तो या तो 2 कॉमन लेंगे हम, तो 2 कॉमन लेने पे हमें आएगा m-25 = 0। तो हमारा m है वो -25, और 2m-2 होगा 0 के इक्वल्स, तो इसलिए हमारा m-25 0 होगा, नहीं तो 2m-2 = 0 होगा। तो m जो है हमारा वो होगा 25, और 2m है वो होगा 2, तो m हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल्स। तो हमारे जो m के दोनों रूट है वो होंगे 25 और 1। क्वेश्चन नंबर 9th हमें दिया है 2m-m-24 = 15। ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2m² - 48m - 50, जो ये इस साइड आ जाएगा = 0। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास -100 आना चाहिए, और सॉल्यूशन हमारा 48 माइनस में रहेगा, तो दोनों फैक्टर हम प्लस -50 और +2 ले सकते हैं। तो हमारे फैक्टराइज हो जाएंगे 2m² - 50m + 2m - 50 = 0। अब अगर हम यहाँ पर 2m कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा m-25, प्लस यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा m-25, जो कि 0 के इक्वल्स होगा। इसे हम लिख सकते हैं m-25 और 2m + 2 = 0। इसलिए हमारा m-25 0 होगा, नहीं तो 2m + 2 0 होगा। तो m की जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 25, और जो 2m होगा वो -2 होगा, इसलिए m की जो वैल्यू आएगी हमारी -1।
तो हमारे जो m के दोनों फैक्टर्स आए हैं वो है 25 और माइनस 1। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वो है 25m² = 9। तो पहले हम इसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 25m² - 9 = 0। तो अब आप एक देख रहे हो, मैं इसे 5m² भी लिख सकता हूँ और इसे मैं 3² भी लिख सकता हूँ, करेक्ट। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ तो क्या होगा, ये इसे और इसे अगर मैं a² - b² से कंपेयर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a + b, a - b। तो मेरा a + b हो जाएगा 5m + 3 और a - b हो जाएगा 5m - 3, जो कि 0 के इक्वल्स होगा। इसलिए मेरा 5m + 3 0 होगा, नहीं तो मेरा 5m - 3 = 0 होगा। तो मेरा 5m होगा -3 और 5m होगा +3। तो मेरी m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3/5 और m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +3/5। तो मेरे m के जो दोनों रूट्स रहेंगे वो है -3/5 और 3/5। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 7m² = 21m। तो इसे हम लिख सकते हैं 7m² - 21m = 0। तो इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो वो होगा हमारा 7m। तो यहाँ बचेगा हमारे पास m और यहाँ बचेगा हमारे पास -3, जो कि 0 के इक्वल्स होगा। इसलिए हमारा m - 3 0 के इक्वल्स होगा, या तो 7m 0 के इक्वल्स होगा। तो जो हमारा m है वो हो जाएगा 3 और जो हमारा m है वो हो जाएगा 0। तो हमारे m के जो दोनों फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यू आएगी 0 और 3। जो लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.2 का वो है m² - 11 = 0। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m² - √11² जो कि 0 के इक्वल होगा। तो इसे अगर मैं देखूँ तो ये हमारा फॉर्म है a² - b², तो इसे हम लिख सकते हैं a + b और a - b के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा m - √11 और m + √11 जो कि 0 के इक्वल्स होगा। इसलिए m - √11 जो है वो हमारा 0 होगा और m + √11 जो कि 0 होगा। तो m की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी √11 और यहाँ जो m की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -√11। तो हमारे जो m के जो रूट्स रहेंगे वो हो जाएगा √11 और -√11।